लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कर रही है जो मेरा ख़्याल है ज़्यादा लाइम लाइट पर नहीं आते जिनमें एक ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है फिर मदरसा का भी चल रहा है इसके साथ साथ फिर और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है उनको कौन सी एजुकेशन दी जाती है कितने आ, इस वक्त इन रोल हैं क्योंकि मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त करंट सिचुएशन में कि हमारे यहाँ शायद उस कम्युनिटी को एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता तो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी उनको तालीम दे रही है तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा इस पर मैं आपको कि सिर्फ ट्रांसजेंडर ट्रांस नहीं है बल्कि चार एरियाज पर्टिकुलरली मैं जिक्र करूँगा तीन तो हमारे फुली फ्री हैं ये जो स्टूडेंट्स इस बैकग्राउंड हाँ जी फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रिजनर्स हैं एक ट्रांसजेंडर हैं और एक कुछ जो लोग जो सर्टन डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसमें डिफरेंट है ब्लाइंड uh, है या फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है तो फिज़िकल डिसेबिलिटी तो नहीं ब्लाइंड्स जो हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है तो ये तीन जो एरियाज़ हैं प्रिजनर्स ट्रांसजेंडर और ब्लाइंड्स इनके लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन है इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फ्री एक और भी uh, हमारी जो कम्यूनिटीज़ हैं एक्स फाटा के लोग जो हैं और बलूचिस्तान और जी बी गिलगित बिल्तिस्तान में वहाँ मैट्रिक हमारा फ्री है वहाँ पे ताकि लिटरेसी को जो है हैहांस करने के लिए तो बाकी आ, मदरसा एजुकेशन पर्टिकुलरली वो चौथा मैं ज़िक्र करूँगा कि उस पर हमने अभी रिसेंटली एक हफ़्ता पहले आ, जो रिलीजस डायरेक्टर हैं स्कूल एजुकेशन आ, के तहत जो यूनिवर्सिटी ने आ, पाकिस्तान ने Uh, जो uh, मदारस अपने कंट्रोल में लिए सर्टन तनज़ीमों से uh, उनकी तालीम के लिए पर्टिकुलरली हम uh, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं